जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के वीडियो क्लिक किया है कि कैसे भी किसी भी पीआर नंबर को सिर्फ भेजकर आप अपना सीट कैसे पता कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी सिंपल मोबाइल लेना है, उसमें पीआर नंबर देखिए उठा करके आपके टिकट में पीआर नंबर लिखा होगा, उस पीआर नंबर को देखिए, यहाँ पे देखिए कोना पर लिखा है पीएनआर, ये 10 अंक का होता है, ये 10 अंक का, यहाँ से क्या कीजिए उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ अपने मैसेज बॉक्स में आइए, मैसेज बॉक्स में आने का जो नया मैसेज आप यहाँ टाइप कीजिए, मेरे में प्लस का आइकन है नया मैसेज टाइप करने के लिए, मैं उसे क्लिक करूँगा। आपने जो भी नया मैसेज लिखने का तरीका है वहाँ क्लिक करके आपको यहाँ मैसेज बॉक्स में आना है और यहाँ टाइप करना है जो पी एन आर नंबर हम दिखाए थे वहाँ, यहाँ 68 12 6 9 30 31 है पी एन आर नंबर, और यहाँ आपको इस पर सेंड करना है, लेकिन अभी नहीं जाएगा, किसे सेंड करना है वो भी लिखना है, टू में रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 है उस पर सेंड करना है आपको, और यहाँ पे सेंड का बटन दबाना है। सेंड का बटन दबाने के बाद यहाँ देखिए कुछ देर वेट कीजिए, आ गया यहाँ पे सेम पी एन आर नंबर है 6 8 1 2 69 30 31, ठीक है, गाड़ी नंबर आ गया और डेट आ गया जर्नी का, डी टी का मतलब डेट ऑफ जर्नी, बोर्डिंग स्टेशन आ गया आर जे पी वी मतलब राजेंद्र नगर टर्मिनल, रिजर्व अप टू यानी एस एच सी का मतलब सहरसा क्लास यानी 2S हो गया, P1 मतलब पैसेंजर, बट करंट स्टेटस अभी जो है D13 है 25 है, अब P2 का मतलब पैसेंजर 2 करंट स्टेटस D13 में है, कोच पोजीशन है D13 कोच पोजीशन हो गया, और सीट नंबर 26 हो गया, ठीक है। इस तरीक़े से आप सिर्फ मैसेज भेज करके, ये टोल फ्री है, एक भी पैसा नहीं कटता है, PNR नंबर भेज कर ही मैसेज द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है।